शिव शंभु शंकरंकर श्रेष्ठ मंत्र हेउछि महामृत्युंजय मंत्र। अकाल मृत्यु हरण सर्वव्याधि नाशन निमित्त महामृत्युंजय मंत्र को उच्चारण करा जाए। तेबे आसंतु जानिबा महामृत्युंजय मंत्रर अर्थ कण। ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामिव बंधनात् मृत्युर्मुखीय मामृतात्। अर्थात हे सदाशिव परमात्मा, तरबुज जेपरी लतार बंधन रे थाई परिपक्व हेला परे ही स्वादिष्ट होई लतारु खसी पड़े एवं खाइबा योग्य होइथाय। ठीक सेहिपरि आपणक कृपारु आमर जीवन सुदीर्घ हेउ, कारण पूर्ण आयुष उपभोग नकला पर्यंत मनीष मोक्ष पाइपारे नाही। तेणु हे परमेष्टि, हे परमात्मा, आपण कृपा करंतु, आपणकर सुदयारु आमे 100 वर्ष बंचु, सुदीर्घ जीवन हेउ, आमर जीवन सुस्वास्थ्यमय हेउ, निरामय हेउ, जद्वारा आमे मोक्ष प्राप्ति हेबो। इहा हेउछि महामृत्युंजय मंत्रर अर्थ। शिव शंभु शंकर नागसर्प धारण करिछति काहेकि? नाग हेउछन्ति आध्यात्मिकतार सोपान बा पहाच। कुहाजाए आम शरीर मध्यरे 5 वायु एवं 4 कुंडलिनी शक्ति अछन्ति। जेपरि भावरे आमर शरीर पंचभूतरे तयारी आकाश वायु जल अग्नि एवं माटी, सेहिपरि भावरे पंच प्राणेन्द्रिय प्राण अपान व्यान उदान समान पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय अछन्ति। अंतस्थ वायु भावरे 5 वायु एवं 4 कुंडलिनी शक्ति। 5 अंतस्थ वायु एवं 4 कुंडलिनी शक्ति सदा सर्वदा आमर सहस्रारे अवस्थित होइतिबा से शिव सदाशिवंक सहित मिलित होबापाई चेष्टा करिथांति। तेणु नाग एही वार्ता देइथांति जे आध्यात्मिकतार सोपान बा विभिन्न पहाच देहि मनुष्य सदाशिव तत्व को हृदयंगम करिपारिब। सेथिपाई शिव शंभु शंकर 9 नाग को धारण करिछन्ति। मस्तकरे बा जटारे गोटिए नाग, गळारे नाग, मणिबन्धरे 2 नाग, जंघरे नाग एवं तांकर अंटारे नाग एवं 2 पदरे नाग। 9 नाग नव नारायण जी होछन्ति आध्यात्मिकतार सोपान बा पहाच। शिवंकर बक्षदेशरे माँ काली निजर दक्षिण पाद को रखिचंती काहेकि? कौन रही यार रहस्य? कहुजाए शिव शक्तिया युक्त जद्या भवती सक्त प्रभावित। अर्थात शिव होती स्वयं शक्तियुक्त एवं शक्ति होती स्वयं शिव स्वरूप एक एवं अभिन्न स्वयं अर्थ नारीश्वर भाव ग्रहण कराए। जे शिव एवं पार्वती रूपरे शक्ति रूपरे परस्पर ठारु अभिन्न होई विविध लीलाखेला को संपादित करुछंती। सेथिपाई कहा जाए शक्ति शिव शिव शक्ति शक्ति ब्रह्मा जनार्दन शक्ति इंद्रो रवि शक्ति शक्ति चंद्र ग्रहात् हो। शिव होउछंती शक्ति स्वरूप एवं शक्ति बिना शिवंकु शव बोली मध्ये कहा जाए। तेणु माँ काली निजर दक्षिण पाद को रखिछंती अर्थात शिव जी महाकाल परिशेषे सी मध्य महाकाली ठारे लीन होती। अर्थात काल महाकाल एवं महाकाली परस्पर ठारु अभिन्न जी निर्गुण निराकार स्वरूप स्वयं रात्रि स्वरूप अंधकारमयी से माँ काली ए समग्र सृष्टि को व्यवस्थित कर रखिंट। आपड़ जानते कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर कहाँ को ध्यान करती? ए सचराचर जगत ए सृष्टि जहाँ को ध्यान कै से त्रिदेव त्रिशक्तिर आधार सत्व रज तमर जी प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सदा सर्वदा आपण देखिबे फटोचित्र अथवा मूर्ति रे सदा सर्वदा से माने ध्यानरत थांती समाधि अवस्था रे थांती। तेबे से माने कहां को ध्यान करती ना से निर्गुण ओंकार स्वरूप जहां को ठारु से माने मध्य सृष्टि होइछंती जहां को कोनोसी आकार नाही। कारण परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परमेष्टि से सदा शिव सर्वप्रथमे ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से जितेबाला आविर्भाव होते आदि अंत स्वयं ब्रह्मा एवं विष्णु पाइनते आम जाने शिवपुराण में उल्लेख अच्छी। से ही ज्योति स्तंभ व प्रकाश स्तंभ को आम लिंग रूप से वर्तमान सुधा पूजा करुचे। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म ज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम।